हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बिमल और आप देख रहे हैं डिजायट्री। और आज के इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या होटल मैनेजमेंट करने वाले हैं, या होटल मैनेजमेंट आप डिग्री हो या डिप्लोमा हो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन देखिए अब होता क्या कि जैसे ही कोई होटल मैनेजमेंट करते हैं तो उनके पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, मल्टीपल चॉइसेस रहते हैं आपके हाथ में। हमने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखी है, जैसे कि आप होटल में जॉब कर सकते हैं, आप फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं, आप क्रूज लाइन में जॉब कर सकते हैं, आप एयरलाइंस में जा सकते हैं, एविएशन में जॉब कर सकते हैं, है ना। लेकिन आज का जो वीडियो है खासकर हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो होटल मैनेजमेंट करने के बाद वो होटल में जॉब नहीं करना चाहते हैं, क्रूज लाइन में जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो एविएशन एयरलाइंस में जॉब करना चाहते हैं। भले वो ग्राउंड स्टाफ हो, एयरपोर्ट के अंदर में जॉब करना चाहते हो, या केबिन क्रू, एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट, कुछ भी बोले, तीनों एक ही है। तो खासकर हम उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि किसी को अगर एयरलाइंस में जाना हो, केबिन क्रू बनना हो, तो उसके लिए होटल मैनेजमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम उनके लिए बना रहे हैं कि अब होता क्या है कि कई सारे कैंडिडेट्स जो है होटल मैनेजमेंट करके आते हैं, उनको दिमाग उन लोगों के दिमाग में ये नहीं रहता कि हम होटल मैनेजमेंट करने के बाद हम एविएशन में भी जा सकते हैं, केबिन क्रू बन सकते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। बस उन लोगों के दिमाग में यही रहता है कि हम एचएम किया, बस अब तो हम होटल में जॉब करेंगे, हमें तो मैनेजर बनना है, सेफ बनना है, हाँ, मतलब यही दिमाग में रहता है। हमें यह भी याद में रखनी चाहिए, हम जैसे ही होटल मैनेजमेंट करते हैं, होटल मैनेजमेंट करने के बाद हमारे पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आती है, अलग अलग सुनहरा ऑफर आता है। जैसे हम एयरलाइंस में जॉब कर सकते हैं, जो कि सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है, और होटल लाइन से तो बहुत ही अच्छा सैलरी रहता है एविएशन, मतलब केबिन क्रू में। तो चलिए इस बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बात कर लेंगे, अगर कोई इंटरेस्टेड है केबिन क्रू में जाना चाहते हैं, तो मैं आपको पहले ही आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, केबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट और एयर होस्टेस तीनों एक ही होता है। अभी हम बात कर लेते हैं, कोई अगर इंटरेस्टेड नहीं है, अगर कोई ग्राउंड स्टाफ में जॉब करना चाहते हैं, दो टाइप का होता है, जो केबिन क्रू का डिपार्टमेंट अलग होता है और ग्राउंड स्टाफ का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो अगर आप पहले शुरुआती दिनों में अगर आप चाहते हैं कि ग्राउंड स्टाफ में जॉब करेंगे, एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप कभी एयरपोर्ट में गए होंगे तो देखे होंगे जो एयरपोर्ट में जितने सारे स्टाफ काम कर रहे होते हैं, जो स्टाफ्स होते हैं, उसे कहा जाता है ग्राउंड स्टाफ। शुरुआत में आप वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं, जैसे जान पहचान बढ़ जाती है आपकी, जो केबिन क्रू जो आते हैं वहाँ उन लोगों से बातचीत कीजिए, कुछ टिप्स लीजिए उन लोगों से, और आगे जाके आप केबिन क्रू बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं, हमारे में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। एज कितनी होनी चाहिए, अगर आप इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए, अगर आप इंडिया में कहीं पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो 18 से लेकर 27 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखिए मैक्सिमम जो एज है 27, फिर भी ये डिपेंड करता है, अलग अलग जो एयरलाइंस कंपनी है उसके पर डिपेंड करता है, लेकिन साधारण तौर पे जो है 18 से 27, ठीक है। अगर किसी को इंटरनेशनल एयरलाइंस में जाना है, तो उसके लिए जो एज है 21 या 21 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। क्या फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात, मान लीजिए आप कहीं पे जॉब किए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल किसी भी प्रकार का जॉब किए हैं, एक्सपीरियंस है, तो आप अपने CV में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अभी हम बात कर लेंगे एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। देखिए 12th पास के बाद आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है डरे हुए रहते कि केबिन क्रू बनने के लिए तो हमें पता नहीं ग्रेजुएशन चाहिए, डिग्री चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 12th पास के बाद आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और इसके लिए कोई अलग से कोर्स भी नहीं चाहिए, ऐसा मत सोचे कि हमें अलग से बहुत कोर्स वगैरह, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी ने होटल मैनेजमेंट किया है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वो लोग ऐसे ढूंढते हैं कौन से कैंडिडेट्स हैं जो होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन लोगों का जो है सिलेक्शन जल्दी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम बात कर रहे थे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर मैरिड यू कैन नॉट अप्लाई, इफ़ यू आर अनमैरिड, इफ़ यू आर सिंगल यू कैन ईजिली अप्लाई, अनमैरिड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे और क्या जरूरत पड़ती है। देखिए इसके लिए जो है आपको आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी इंग्लिश और हिंदी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डरना नहीं है, मान लीजिए आपकी उम्र अभी 18 है, 19 है, 20 है, लेकिन आप 27 तक अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास यू डू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप जो है 3-4 साल आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए, है ना। तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं, क्योंकि जो सैलरी होती है, केबिन क्रू का जो जॉब होता है बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए अभी बात करते हैं, क्या कोई अगर सावला है या थोड़ा काला है या थोड़ी सावली है दिखने में, डस्की है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर दिखने में सावली है,
तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते जो है उनके चेहरा जो है चेहरे में कोई स्पॉट या बड़ा सा मोल या स्पॉट वगैरह नहीं होने चाहिए, रेसेस नहीं होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए चेहरे में, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं। मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं, लेकिन मेल की वैकेंसीज कम होती है। कहाँ कहाँ पर होती है मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊँगा, और वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर रहती है, हम जॉब अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मतलब कहाँ हमें पता कैसे लगेगा कि वैकेंसीज कहाँ पे है, इसके बारे में बात करेंगे, वीडियो के अंत में बात करेंगे। चलिए अभी बात करते हैं BMI के बारे में। BMI क्या होता है, जो है आप अपने से पता लगा सकते हैं कि आपकी BMI कितनी है, 19 से करीबन 23 होनी चाहिए, 19 to 23 आपकी BMI होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी BMI कितनी है इसे पता लगाने के लिए आप गूगल में चेक कर सकते हैं, यूट्यूब में चेक कर सकते हैं, तो आप पता लगा सकते हैं कि आपकी BMI कितनी है। अभी हम बात करेंगे, आपको जो है मेडिकली फिट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो है केबिन क्रू का जॉब होता है, जो एयरपोर्ट में जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं, जॉब थोड़ा टफ होता है, ठीक है, तो इसलिए जो है मेडिकली फिट होनी चाहिए, आपके आंखों की रोशनी सब चीज़ जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, तभी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विजिबल टैटूज नहीं होने चाहिए, कई लोगों का टैटूज होता है इधर उधर, है ना, तो विजिबल टैटूज नहीं होने चाहिए, अगर टैटूज है जो विजिबल है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका रिजेक्शन हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, अगर किसी को केबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ में जॉब करनी है तो उसके लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट के लिए जो है हाइट जो है 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा होना चाहिए, अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 165, 166, 167 सेंटीमीटर इतना होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स अगर कोई इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज बहुत कम रहती है, मान लीजिए कहीं पे 20 फीमेल कैंडिडेट्स को अगर सिलेक्शन किया गया है तो वहाँ पे ओनली 3 या 4 बॉयज़ को सिलेक्शन किया जाएगा, रेशियो में कम रहता है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। जैसे आपका विस्तारा में आप अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसीज कम रहती है लेकिन वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहती है आपका जेट एयरवेज में आप ट्राई कर सकते हैं, एयर इंडिया वहाँ पर वैकेंसीज रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज रहती है बॉयस के लिए वो हो गया जेट एयरवेज में। चलिए अभी हम बात करेंगे हमें पता कैसे लगे कि वैकेंसीज कहाँ पे है। देखिए इसके लिए मान लीजिएगा अगर किसी को अगर एयरपोर्ट में जॉब करनी है, ग्राउंड स्टाफ में अगर नौकरी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, पहला ऑप्शन है आप उसी एयरपोर्ट में जाइए, आप अपना अच्छा सा CV कैरी कीजिए और CV जो है आप वहाँ पर ड्रॉप करके आइए, ठीक है, ये तो हो गया पहला, आप अपना CV छोड़ के आ सकते हैं उसी एयरपोर्ट में जहाँ पे आपको जॉब करनी है, ये तो हो गया। तो आपको जो है प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपका लुक अच्छा होना चाहिए, अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और अलग अलग कंपनी के वेबसाइट में जाइए, पर्टिकुलर उस वेबसाइट में जाइए, जैसे आपको मान लीजिए एयर इंडिया में जाना है, विस्तारा में जाना है, स्पाइसजेट में जाना है, गोएयर में जाना है, तो अलग अलग उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे करियर लिखा रहता है, करियर में जाइए और टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, समय समय पर चेक करते रहिए कि वैकेंसीज कुछ निकली है क्या, कुछ वैकेंसीज अवेलेबल है क्या, जैसे ही आपको दिखने को मिलता है वैकेंसी से आप तुरंत अपना CV छोड़ दीजिए। जितनी भी सारी अलग अलग एयरलाइंस कंपनियाँ हैं आप सबके वेबसाइट में जाइए, टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, आपको वहाँ से वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो है आप अपना CV ऑनलाइन पोर्टल में, जैसे आपका naukri.com हो गया, आप वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर कहीं पर वैकेंसी रहती है तो आपको कॉल आ सकता है, है ना, आपका CV जो है शॉर्टलिस्ट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।